नमस्कार। लाइफ में एक बात जरूर ध्यान रखना, ऐसे लोगों की नौकरी हमेशा खतरे में बनी रहती है। ऐसे लोगों की नौकरी के ऊपर हमेशा संकट के बादल छाए रहते हैं और ऐसे लोग नौकरी करते हुए कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं पता है आपको? जो लोग नौकरी करते हुए नया कुछ नहीं सीखते रहते हैं ना, उस लोगों की नौकरी हमेशा संकट में पड़ी रहती है। ध्यान रखना, यह समय पल पल बदल रहा है, दुनिया पल पल बदल रही है। अगर आप दुनिया के अनुसार नहीं चलोगे, आप कुछ नया नहीं सीखोगे, आप उसी पुराने डर्रे पर चलोगे तो सामने वाला आपको नौकरी पर क्यों रखेगा? अगर आपसे ज्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति अगर उसको मिल गया तो वो आपको किक कर देगा और उसको ले लेगा। आपको नौकरी के साथ में कुछ न कुछ नया सीखते रहना होगा, नई स्किल्स सीखती रहनी होगी और नया कुछ सीखना होगा, तभी आप कुछ बड़ा कर पाओ। पता है धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर जॉब करते थे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ नया सीखते रहते थे। फिर वो भारत आए, कपड़ा बिजनेस में उतरे, कपड़े के बारे में खूब सारी नॉलेज ली और हमेशा सीखते रहे, तब जाके इतने बड़े बिजनेसमैन बने। अगर आप भी नौकरी करते हो कुछ सीखोगे नहीं और कुछ डिफरेंट करोगे नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? आप तो वहीं रह जाओगे। तो नौकरी करते हुए कुछ न कुछ तो आपको सीखना होगा। गौतम अडानी के बारे में आप जानते होंगे, हीरा कारोबारी की या नौकरी करते थे, स्कूटर पर हीरो की डिलीवरी करते थे, लेकिन इसके साथ में वो कुछ नया सीखते रहे। उनको पता था कि मुझे कुछ नया करना है, तो वो हमेशा सीखते रहे और आज आप देख सकते हो वो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। तो आप कुछ भी करो, साथ में आपको कुछ न कुछ नया सीखते रहना होगा। लेकिन अगर आप वही जॉब करते रहे और आपने कुछ नई स्किल्स नहीं सीखी तो आप कभी भी आप अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। तो कुछ न कुछ तो आपको नया सीखना होगा, तभी आप अपनी जॉब में प्रमोशन ले पाओगे और आप कुछ नया कर पाओगे। नारायण मूर्ति के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, इंफोसिस के को-फाउंडर, एक छोटी सी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन उनका कुछ बड़ा जज्बा था, वो नया नया सीखते रहे और एक दिन उन्होंने अपने खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी बना ली, इंफोसिस। तो ये सब कैसे होता है? बहुत से लोग कहते हैं सर हम तो नौकरी करते हैं, हम क्या कर सकते हैं? आप नौकरी करते साथ में बहुत कुछ कर सकते हो, बस दिल में जज्बा और जोश और जुनून होना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा टाइम दीजिए नई स्किल सीखने में, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए कुछ नए प्रयास में और कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। यही नए सीखने की कोशिश में आपको एक दिन टॉप पर ले जाएगी और आप भी कुछ समथिंग डिफरेंट कर पाओगे। तो ध्यान रखना, जॉब के साथ में कुछ नई स्किल्स आपको सीखनी होगी, तभी आपकी जॉब इस मार्केट में बनी रहेगी, वरना हर कोई आपको टिक लगा देगा। और नई स्किल्स सीखोगे, कुछ नया सीखोगे तो आप इस दुनिया में कुछ नया भी कर जाओगे।